अगली टिप है आपकी ट्रांजिशन मॉडिफिकेशन। इसमें हम आपको बताएंगे ट्रांजिशन का मॉडिफिकेशन क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ट्रांजिशन को मॉडिफाई करके ही यूटिलाइज करना चाहिए कि सामान्य तौर पर जो लोग यूज करते हैं, जो नए बंदे होते हैं, वो लोग सदैव ट्रांजिशन को ऐसे यूज करते हैं जैसे वो आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन ट्रांजिशन मॉडिफिकेशन करके ही यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि आपका एडिट में नया लुक, नई फील, नया इम्पैक्ट आप जनरेट कर पाएंगे। तो हम चलते हैं कैसे आपको यूज़ करना है मॉडिफिकेशन का। होता क्या है, जब यहाँ पर हम इफेक्ट पैनल में जाते हैं, वीडियो में बहुत सारे ट्रांजिशन आपको मिल जाते हैं। ट्रांजिशन में देखते हैं, यहाँ पर बैंड स्लाइड को यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं किस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, ये सामान्य, ये बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी कोई स्लाइड लगाएंगे तो ये ऐसे ही आपके स्क्रीन पे आएगा, लेकिन यहाँ पर जब हम इस ट्रांजिशन को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जब जाते हैं इफेक्ट कंट्रोल पैनल में, यहाँ पर आप देखें ये एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आपको 8 बटन दिखाई पड़ते हैं, ये आपको 8 बटन, इनकी ड्यूरेशन यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं। ये 8 बटन आपके इसकी डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस तरीके से इस पर क्लिक कर दिया तो अब आप जाएंगे इसका ट्रांजिशन देखिए अलग चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आपको नीचे से ऊपर की तरफ चाहिए तो यहाँ ये ऊपर नीचे से ऊपर चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार जब भी आपको कोई ट्रांजिशन आप लगा रहे हैं तो ट्रांजिशन के जो ऑप्शंस होते हैं उनको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। जैसे आप बैंड स्लाइड को यूज़ करते हैं, बैंड स्लाइड देखिए 7 है। यहाँ पैरामीटर्स भी आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। यदि बॉर्डर यहाँ लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर आप लगा सकते हैं। देखिए कलर कौन सा लेना है बॉर्डर में, कोई बॉर्डर का कलर भी आप डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो ये रिवर्स ऑप्शन भी आपके साथ काम करेगा। तो यहाँ पर जब आप ट्रांजिशन लगाते हैं जिसको हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ उसके पैरामीटर्स आ जाते हैं। उन पैरामीटर से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने कंट्रोल में आप ट्रांजिशन को यूटिलाइज करना चाहते हैं। इसकी ड्यूरेशन को घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो आप ड्यूरेशन को घटा बढ़ा सकते हैं यहीं से। और ये जो ट्रांजिशन है कैसे आना है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये अभी तो देखो हॉरिजॉन्टल आ रहा है, यहाँ पर हम एंगुलर लाना चाह रहे हैं, ये देखिए ये इस तरीके से। वही ट्रांजिशन यदि आप ऐसे यूज़ करेंगे तो नयापन लेकर के आएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन तो सभी यूज़ करते हैं। तो वही ट्रांजिशन को यदि आप नए तरीके से पेश करेंगे तो उसको मॉडिफाई करके ही यूज़ करना चाहिए। ये हमारा आपको सजेशन है और ये हमारी आपके लिए टिप है, कभी भी डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन को यूटिलाइज ना करें। तो चलते हैं हम अगले टिप की ओर।